हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ उद्धव दास एंड वेलकम टू योर ओन चैनल बॉफिन ब्रेन। दोस्तों, एक बार एक छोटा सा किस्सा है। हमारे घर में एक तांत्रिक बाबा आए, ऐसे काले कपड़ों और लंबे लंबे बालों वाले। वैसे तो भिक्षा मांगने के लिए आए थे, लेकिन उसे कुछ और ज़्यादा ही चाहिए था। उसने हमारे घर के चारों ओर देखा और कहा कि आपके घर में प्रेतों का साया है। तब तक हमारे घर के सभी वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। उसने ये प्रूव करने के लिए कि हमारे घर में प्रेतों का साया है, उसने घर के किसी हिस्से से थोड़ी सी मिट्टी लाने के लिए कहा। मेरी दीदी गई और जा करके आंगन से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके ले आई। फिर उसने क्या किया, उसने एक इस तरह से कागज़ का फनल बनाया और उसमें मिट्टी को डाल दिया। और उसके पास एक लगभग एक फुट की हड्डी थी, उसको उसने उसके ऊपर घुमाना शुरू किया और कुछ मंत्र बुड़बुड़ाए। थोड़ी देर बाद अचानक उस कीप ने आग पकड़ लिया। यह देखकर हमारे घर के सभी हैरान थे, पर मैं और मेरे भैया हैरान नहीं हुए, क्योंकि हम जानते थे कि यह कोई ढोंगी बाबा है और जादू टोना कर रहे हैं। उस समय मैं बहुत शरारती हुआ करता था। मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा जी सोडियम था ना? फिर वो बाबा पूरा गुस्सा हो गया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और मैं वहाँ से भाग गया। फिर जब मैं वापस आया तो पता चला कि बाबा ने भूत भगाने का चार्ज बताया 5,000 रुपये। कोई तरीका है भीख मांगने का? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि इस तरह के बाबा आपको बहुत से मिल जाएंगे जो कागज और पानी में आग लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे कुछ तत्व इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये हवा या पानी में आसानी से आग पकड़ लेते हैं, पर ये बहुत महंगे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम एक 5 रुपये वाले चीज़ से पानी में आग लगाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं इसका आपको लाइव प्रूफ और साथ ही आपको बताएंगे इसका साइंस कि क्यों होता है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, ये वो चीज़ है जिसके सहायता से हम ये करने वाले हैं। जी हाँ, नेल पॉलिश। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो है डिब्बा ख़त्म हो चुका है, तो हम इस 10 रुपये वाली नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हम एक गिलास पानी लेते हैं, इसमें इसको डाल देते हैं। इतना काफ़ी है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से जल रहा है। इसके जलते जलते मैं इसका साइंस भी बता देता हूँ। नेल पॉलिश के इंग्रेडिएंट्स में आमतौर पर नाइट्रोसेलुलस और एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोसेलुलस की वजह से ये पानी में डूबती नहीं है और एसीटोन के लिए फ्यूल का काम करती है। एसीटोन जो कि एक हाई फ्लेमेबल केमिकल होता है, ये पानी में भी आसानी से जलने लगती है। तो चलिए, बचे हुए नेल पॉलिश को भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको जलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेल पॉलिश में कलर के साथ साथ और भी बहुत से केमिकल होते हैं जिसके जलने से हार्मफुल धुआं निकलता है। सो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल ट्राई ना करें। फ्रेंड्स, ये है नेल पॉलिश रिमूवर जिसमें सिर्फ एसीटोन होता है। चलिए इसको पानी में डाल के देखते हैं कि क्या ये अकेले जल सकती है। ये नहीं जला, मतलब इसमें फ्यूल का ज़रूरत होती है जो कि नाइट्रोसेलुलस होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप मेकिंग। बाय बाय।